आईपीएल 2023 के सीजन का तीसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में लखनऊ के स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रनों के स्कोर तक पहुंची। इसमें ओपनिंग बल्लेबाज काइल मेयर्स के बल्ले से शानदार 73 रनों की पारी देखने को मिली। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दिल्ली की तरफ से गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत करते हुए 19 के स्कोर पर लखनऊ टीम के कप्तान केएल राहुल को 8 स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद लखनऊ की तरफ से काइल मेयर्स ने दीपक हुड्डा के साथ मिलकर पहले 6 ओवर में स्कोर को 30 रनों तक पहुंचाया। यहां से मेयर्स ने अपने बल्लेबाजी के आक्रम को रूप अपनाते हुए स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया और दीपक के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 42 गेंदों में 79 रनों की शानदार साझेदारी की। इस मैच में 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वही मेयर्स ने 38 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेली जिसमें 2 चौके और 7 छक्के शामिल थे। 117 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी को निकोलस और कुणाल पांड्या ने संभालते हुए तेजी के 7 रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। दोनों के बीच में 5वें विकेट के लिए 26 गेंदों में 18 रनों की तेज साझेदारी देखने को मिली। निकोलस पुरे ने 21 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 6 बनाए। वहीं कुणाल पांड्या ने 15 रनों की पारी खेली जबकि आयुष बड़ोर ने 7 गेंदों में 18 रनों की पारी खेलने के साथ 199 तक पहुंचाया और लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। दिल्ली कैपिटल की तरफ से इस मैच में खजूर को 2 विकेट जबकि चेतन और कुलदीप और अक्षर को विशेष विकेट अपने नाम की। दोस्तों वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करना।